वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम हो रखा है और जो मैंने क्लिप आप लोगों के संग शेयर की है वो है रात की, रात को डिनर के टाइम की है। तो मेरी जो है मौसी आई हुई है। मैंने कल आप लोगों को बताया था कोई आया है, बट उस टाइम जो कोई आया था वो कोई और था, मेरी बुआ आई थी। और फिर दोपहर में मौसी आ गई और मौसी जो है रात को रुकी थी, तो मैंने थोड़ा बहुत जो है शूट कर लिया। काफ़ी सारा मैं शूट कर सकती थी बट मैं नहीं कर पाई क्योंकि बातें कर रहे थे सब लोग, अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो मेरा मन नहीं करता फिर व्लॉगिंग करने का। तो रात को जस्ट मैंने एक बैठे बैठे क्लिप ले ली थी। और अभी जो है मैं रात को जो बिस्तर फैल गया था, बच्चे अभी सो के उठ चुके हैं, बड़े तो पहले उठ चुके थे, मैं अभी थोड़ा लेट उठी हूँ मायके में आके। और दिया और सोना अभी उठ के गए हैं, तो मैंने कहा चलो बिस्तर जो है सही कर लेते हैं। और वीडियो कौन शूट कर रहा है आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी आगे कि वीडियो किसने शूट करी है इतने अच्छे से बढ़िया तरीके से। तो बस बिस्तर जो है मेरा सही हो चुका है, चद्दर बिल्कुल बढ़िया से लग गई है और अब जो है इसके पिलो भी लगा देती हूँ और बेड पे जो एक्स्ट्रा सामान रखा है वो भी उठा देती हूँ। तो ये देखो बेड बिल्कुल रेडी है, साफ सुथरा सा, पता नहीं कितनी देर तक रहेगा ऐसे। चैनल दीपक दिया खन्ना, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो वेलकम है वो किया है सोना दीदी ने। सोना दीदी ने कहा कि मुझको अपना चैनल दे दो, ले लो ले लो ले लो ले लो। सोना दीदी सुबह उठ के क्या करती है? दूध पीती है। और अब क्या करेगी? अब नहाएंगे हम। और मम्मी नहा के आ गई थी, मम्मी मेरी वो ढूंढ रही थी, क्या कहते हैं निप्पल, तो निप्पल नहीं मिली तो दूसरी नहीं रही, उसमें दूध नहीं मिला तो उसमें दूध नहीं आ रहा था ना, तो मम्मा से ठीक करवा लिए। फिर मैंने पूरी पी के फ्रीजर में रख दिया, आपने तो देखा ही होगा जी, उस कमरे में रह के देख रही है वीडियो, तो आप देखिए आ गई दिया दीपक खन्ना। दीपक दिया खन्ना। अच्छा जी, और नानू का है? देखो नानू ये रे, नानू नानू को रोज ना फ्रेश फ्लावर्स चढ़ाता मेरा भाई, ताजे फूल नानू के बगीचे के, और ये सजा देती है पापा के बगीचे के ताजे फूल पापा को ही चढ़ाए जा रहे हैं। अभी मौसी जी यही हैं, नाश्ता नहीं किया ये है। देखिए मैं कहाँ जा सकता हूँ, प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म पे और ऊपर चढ़ के क्या करती है सोना? कुछ करने के लिए ऊपर चढ़ते हैं ये प्लेटफॉर्म पे नानू को अपने। दिया दीपक खन्ना आ गई है, तो देखिए हम कहाँ से उतरते हैं। गिर जाएगा छोटू, अभी एक के चोट लगी हुई है। ये देखो ये क्या दूध कहाँ पे लगा हुआ है? ये जल्दी से दूध पिलाओ, मम्मा पी लिया तो वीडियो देख पूरी। चलो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। मम्मी ने बना लिए हैं नाश्ते में गरम गरम पराठे और अभी बना ही रही है मम्मी, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। और पराठों के साथ जो सब्जी बनाई है वो है आलू बैंगन की सब्जी। आप लोग सोच रहे होंगे आलू बैंगन की सब्जी का कलर हरा हरा क्यों है, मतलब बैंगन का कलर हरा हरा क्यों है, तो ये है हरे बैंगन जो पापा ने अपने गार्डन में लगा रखे थे। पापा के गार्डन की सब्जियाँ बना रहे हैं हम अभी तक। और साथ ही हमने तोड़ लिए थे पेड़ पे से अमरूद तोड़े थे, और दिखाती हूँ कैसे तोड़े थे हमने, किस तरीके से तोड़े थे।
सुबह से बहुत अच्छी बारिश हो रही है और मौसम तो कल से ही अच्छा हो रखा था, लेकिन बारिश जो है सुबह से अच्छी अच्छी सी हो रही है। कल दोपहर में बहुत तेज आई थी, फिर शाम को गर्मी हो गई थी, लेकिन आज सुबह से ही रिमझिम बरसात हो रही है। और मौसी जो है मेरी जा रही हैं वापस दिल्ली उत्तम नगर, तो बाय बाय कर दीजिए आप सब लोग भी। मौसी आई थी, मौसा जी आए थे, और जो मेरा भाई है ना अतुल, छोटा छोटा है वो, एक बड़े भाई भी हैं अन्नू भाई नहीं आए थे क्योंकि उनके सैटरडे संडे की छुट्टी होती है और इसके अभी बीच में छुट्टी थी तो ये आ गया था। और बीच बीच में मौसी जी पहले भी मिलने आ जाती थी, अब भी जो है मिलने आ गई थी। और बाय बाय कर दीजिए, बस अच्छा लगता है कोई आ जाता है। खालीपन सा लग रहा था इनको भी बिना पापा के ये घर, बट बाय बाय। दिया यहाँ पर अपनी मौसी के साथ बातें कर रही है और मौसी जो है सोना को खिला रही है खाना, क्योंकि उसने अभी तक खाना नहीं खाया तो उसको एक एक कोर अपने हाथ से खिलाती है वो, और चाहे कितने भी घंटे हो जाए, एक घंटा हो जाए, डेढ़ घंटा हो जाए, बट खिलाती पूरा खाना है। और शेंकी बात कर रहा है किसी से फ़ोन पे, और मम्मी बैठी है मेरी। मम्मी को बहुत सारे लोग कह रहे थे मम्मी को दिखाना, मम्मी से मिलवाना, बट बात तो नहीं करवा पाऊँगी, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा सा दिखा देती हूँ। दिया खेल रही है अपने मामा के साथ, मौसी के साथ, सबके साथ खेल रही है वो इस टाइम पर। मौसी जो है मेरी चली गई हैं, अभी जस्ट 12:30 हो रहे हैं तो मौसी चली गई हैं। थोड़ी देर हमने बैठ के बातें बातें की, और मौसी जो है ना पहले यहाँ से जाएंगी रजमन, मेरी जो बड़ी मम्मी हैं वो रहती हैं वहाँ पे, उनसे मिलती हुई जाएंगी। और आप लोगों को तो पता ही है बड़ी मम्मी और मम्मी दोनों सगी बहनें, एक ही घर में शादी हो रखी है, तो मौसी जो है मिलती हुई जाती हैं अपनी दोनों बहनों से जब भी आती हैं। और पहली बात तो आती हैं तो किसी एक के घर नहीं आती, दोनों के घर ही आती हैं, दोनों से मिलती हुई जाती हैं और आ जाती हैं जल्दी जल्दी। मम्मी जो हैं सबसे छोटी हैं तो बड़ी मम्मी भी बहुत प्यार करती हैं, मौसी भी बहुत प्यार करती हैं, तो जल्दी जल्दी मिलने आ जाती हैं। और लॉकडाउन में भी जब मेरे पापा थे तो पापा को भी देखने आती थी लगातार। और अतुल तो कल भी रो रहा था, उसको बहुत खाली खाली घर लग रहा था पापा के बिना। हमको बहुत लगता है, सभी को बहुत लगता है, क्योंकि सब में प्यार बहुत था। पापा तो सबसे मिलने चले जाते थे, और जब ऑफिस जाते थे ना पापा तब तो बहुत जल्दी अकेले भी मिलने चले जाते थे सबसे। हम जाए ना जाए पापा ज़रूर मिलने जाते थे सबसे, तो सबको बहुत याद आती है पापा की। नानू की याद आती है दीव आपको? दीव कहती है नानू मेरे बहुत सुंदर थे, बहुत प्यारे थे, बहुत अच्छे थे, है ना। बहुत जल्दी चले गए पापा, सबके बच्चे खिलाए पापा ने, अपने बच्चों के बच्चे नहीं खिला पाए, सबके बच्चे खिलाए मोहल्ले में, सबके बच्चे खिलाए सबके, मैंने भी सबके बच्चे खिलाए हैं। तो इमोशनल कर लेती हूँ ना मैं थोड़ा सा, लोग फिर बोलते हैं ट्रोल कर देते हैं फिर मुझको, बट कोई नहीं यार, मेरी स्टोरी है, मैं अपनी लाइफ शेयर कर रही हूँ और अपनी लाइफ शेयर करूँगी, अच्छा रहता है और लोगों की तरह किसी और की, जैसे कई लोग मेरी बुराई करते हैं, मेरी बातें करते हैं, तो मैं अपनी ही बातें करती हूँ तो इसमें क्या गलत है, कुछ गलत नहीं है। तो बस मौसी चली गई हैं और अब रक्षाबंधन आने वाला है। रक्षाबंधन की कोई ऐसी कोई ख़ास तैयारी नहीं हो रही, लेकिन रक्षाबंधन जो है करना है उसी दिन, जैसे खाना वाना बनेगा पक्का खाना, लड़कियां चढ़ाती हैं ना कढ़ाई, त्यौहार खोलती हैं, तो वो सब करेंगे हम, मैं और मेरी बहन करेंगे। वैसे तो मेरी बहन बहुत सारा काम करती है, लेकिन थोड़ा सा हाथ जो है मेरा भी लगना चाहिए तो लगेगा। तो राखी तो आएगी, राखी एक ऐसा त्यौहार है जो मनता ही मनता है, वैसे भी कोई ज़ोर शोर से तो मनता नहीं है, तो राखी तो बांधी ही जाएगी, मीठा भी आएगा, खाना भी बनेगा, क्योंकि पापा के जाने के बाद ये पहला त्यौहार है जो होगा। तीज हमारे यहाँ मेरे ससुराल में होती है, यहाँ होती है बट उस तरीके से नहीं होती, व्रत वगैरह नहीं रखते, मेरे वहाँ पर होती है ससुराल में, यहाँ नहीं होती है। तो चलिए राखी की लिए जो भी करूँगी, जैसे भी करूँगी आप लोगों को दिखाऊँगी। और वैसे तो मौसम बहुत ख़राब हो रखा है, अगर ऐसे ही रहा तो फिर कोई तैयारी नहीं हो पाएगी, तैयारी कुछ खास करनी भी नहीं है, बस बाज़ार से राखी आनी है, मीठा आना है, यही आना है,
कुछ खास नहीं करना। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप आप लोगों को ये छोटी सी मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, छोटी छोटी बना रही हूँ आजकल मैं, 10-12 मिनट की, कभी 14 मिनट की हो जाती है, छोटी छोटी बनाने की कोशिश करती हूँ, बट रेगुलर रहने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना, आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैं रेगुलर होऊंगी अब धीरे 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 धीरे, है ना। और मायके में आई हुई हूँ रहने के लिए, मन नहीं लगता घर पे, क्या करूँ, गर्मी बहुत है मेरे घर में, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। बाय बाय।